मछली पकड़ रहे हो? हाँ, मछली पकड़ रहे। पकड़ा कोई? नहीं, देखो एक मिनट खाना देखना भाई, दिखाना दिखाना एक बार। गार खड़ा होगा उधर, वो आएगा, मेरी बाइक उसमें जाएगी, फिर देखते हैं भाई। सो नाउ गाइस, टाइम टू से गुड बाय टू कोची। ये था अपना होटल जहाँ हमने कल रात बिताई। गर्मी इतनी है, देखो सुबह सुबह ही मतलब मेरे बाजुओं में पसीना आने लग गया है, सुबह सुबह की ही देख लो। हम 5:00 टाइम हुआ है, 5:06, 4:15 पर उठ गया था। रेडी होने में इतना टाइम लग गया, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो लगता है सामान पैकिंग में, सामान पैक करना और फिर बांधना। कल रात को मुझे 9:00 रूम मिला था, हाईवे ढूंढता मैं आ गया था। तो भाई जी है ना, हाईवे है NH66, और हाईवे का लेफ्ट में भी घर है, राइट में भी, और घरों के साथ साथ ग्रीनरी इतनी है, लेफ्ट राइट पेड़ पौधे, लोग वॉक पे भी निकल चुके हैं। ये हाईवे सही है। अब आप समझ लो, इतना छोटा सा हाईवे, से बस भी चलती है, गाड़ियाँ भी चलती है, मोटर बाइक भी चलती है, लोग भी चलते हैं। अगर मैं इसमें दिन में आता तो क्या ट्रैफिक होता है इधर। मैं सुबह सुबह मछलियाँ उतरनी स्टार्ट हो गई है, अलग अलग टाइप की, समुद्र से सीधा आकर के। ये है मच्छी बाज़ार लग रहा है यहाँ पे, ये लगता होगा यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना बारिश हुई है, रोड पूरे गीले हैं, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, पूरा रोड गीला पड़ा है। बारिश हुई होगी 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, या रात में हुई होगी, पूरा रोड गीला है। केरला की ब्यूटी बिल्कुल ही अलग है, अपनी ग्रीनरी के लिए तो फेमस है ये। सामने लेफ्ट और राइट में ट्री है, यहाँ तो डिफरेंट टाइप के बनाना, कोकोनट और बताना ये क्या है यार। पूरे रास्ते बस मैं यही देख रहा हूँ। ये है ना 66 है, देखो ऐसे भी होते हैं कई, है ना। ये हाईवे गांव के अंदर से होता होता निकल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकर्स वगैरह मुझे परेशान करेंगे, होंगे तो। ये तो नहीं था, पट्टी थी वाइट। ये किसका फार्म हाउस है, वो भी है। तो दोस्तों अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया मैंने, टाइम हो गया है 7:45, 5:00 के आसपास मैं चला था सुबह, अप्रोक्स 130 किलोमीटर मैंने कवर कर दिया, 130 और 140 के आसपास होगा। अभी भी यहाँ से उडुपी है तकरीबन 330 किलोमीटर के आसपास, 320-330 के आसपास। तो यहाँ पर रोड ना काफ़ी ठीक है, मतलब सिंगल लेन हाईवे, मैं दिखाए दूँ आपको ना, ये पूरा वहाँ से वहाँ था। और बढ़िया बात ये लगी मेरे को, यहाँ रेलवे ट्रैक भी है, रोड के साथ साथ ही चल रहे हैं, मस्त। तो फिर बस अभी ट्रेन तो कोई आ नहीं रही है, मैंने देख लिया पीछे कोई आ नहीं रही है, तो मैं सोचा थोड़ा सा यहीं बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आगे जगह है नहीं। मैं थोड़ा सा ये बैठने के लिए बना हुआ था, तो मैं यहीं बैठ गया थोड़ी देर। और यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है रात को बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा ना, क्योंकि 8:00 भी इतना मौसम इतना कूल रहता नहीं है, पर बादल भी बिल्कुल काले हो रखे हैं, हो सकता है आगे भी बारिश हो।
ना दूर दूर वही ग्रीनरी पूरा, और कोकोनट लगे हुए हैं पेड़ पर, दिखाता हूँ मैं। वो सामने दिखेगा नहीं दिखेगा, पूरा कोकोनट। ये तो काफी टाइम से है ना, बीच रोड मुझे दिख रहा था, मेरे को जाना था बीच रोड पे से, लेकिन बीच पे से तो रास्ता ही नहीं है। मैं जाना चाहता था यहाँ से, देखता हूँ अगर यहाँ रास्ता हुआ तो। बड़ी देर से मैं सोच रहा हूँ यार बीच पे जाऊँ, बीच वाले रोड से जाऊँ, लेकिन रोड ख़राब है यार ये ना। यहाँ बाइक पंचर भी हो सकती है, बाहर ही निकल जाता हूँ आगे से। हाँ ये ठीक नहीं है रोड, क्योंकि मैप में बार बार दिखा रहा बीच पे से रोड जा रहा है, बीच पे से रोड जा रहा है। तो मैंने सोचा यार चलता हूँ यहाँ से एक बार देख लेता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा जाने में। व्यू के तो मिलेगा हमें, लेकिन आगे थोड़ा सा रोड सही आ गया, देखता हूँ अगर ये ऐसी रोड हुआ तो ऐसे ही चलता चला जाऊँगा मैं, यही नज़ारे लेते हुए। वाह वहाँ से यहाँ ये पानी कैसे है यार, इधर इधर थोड़ा सा बैक वाटर जमा हो रखा है, वहाँ बीच है पूरा, यहाँ पानी आ रखा है, और फ्लाईओवर के इस तरफ वहाँ इतना ग्रीनरी नहीं है, इधर पानी आकर के इधर पूरा ग्रीन हो गया। ये देखो गहरा काफ़ी होगा वैसे ये, वाह केरला अद्भुत नज़ारे, अलग ही ब्यूटी है इसकी। सारे पेड़ों पे नारियल लगे हुए, सब जितने भी हर पेड़ पे कम से कम 40 के आसपास नारियल होंगे। चलो मिलते हैं भाई सीधा हाईवे पर, अब बहुत मस्ती हो गई है, टाइम पास भी बहुत हो गया अब। दोस्तों यार यहाँ पर मैं आ गया था, अब यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता है नहीं, तो किसी ने मुझे बताया अब यहाँ से ना सामने जाने के लिए बेपोर जाने के लिए लेना पड़ेगा मेरे को ये बोट, इसका नाम है, इसका टिकट लिया मैंने है, क्या नाम था इसका, जंकार, जंकार सर्विस से मुझे जाना पड़ेगा। अभी बाइक मैंने पहुँचा दी है यहाँ पे अपने सामने, अब इसको मेरे को जो रोड है ना ये पानी के समुद्र के थ्रू मेरे को निकालना पड़ेगा। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, बाइक अपनी हो रही, अभी देखता हूँ। भाइयों ने मुझे बताया थोड़ी हेल्प वगैरह अभी की, ये भाई वगैरह बता रहे थे मेरे को, अभी यहाँ से सीधा उधर ना उस तरफ उतार देगा ना बाइक, ऐसे है ना उस तरफ उतार देगा ना बाइक सीधा ये। हाँ देन वहाँ कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने के लिए, 5 मिनट ना, चलो 5 मिनट लगेगा। इन भाइयों ने, चार भाई थे, काफ़ी हेल्प की इन्होंने, तो अच्छा रहा यार सब कुछ, मज़ा आ गया। 15 रुपये का टिकट मेरा लगा, टिकट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दी है। चलो भाई समुद्र तट हमने दूसरा छोड़ दिया है यहाँ से, पानी के सारे देखते हैं, बस गिर ना जाऊं मैं कहीं। ओह काफ़ी बड़ी बोट है भाई, मतलब फेरी है, पैसेंजर, इसको पता नहीं क्या नाम दिया था उन्होंने, जंकर वंकर। देखते हैं ये बंदे भी स्कूल जा रहे हैं लग रहे हैं, मुझे पता नहीं था बाइक को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अलग ही एडवेंचर है ये बिल्कुल। बोट पूरा घूम गया है, ये भाई लोग स्कूल भी जा रहे हैं ऐसे ही। भाई जंकर, जंकर नाम था, हाँ इसका जंकर। अभी दूसरे लैंड पे हम लोग चले जाएंगे, भाई सारे निकल गए, अब हमें भी निकलना है। क्या नज़ारा है भाई, मुझे एक अंकल ने बोला था वहाँ पर जब मैं इसमें जंकर में जा रहा था फेरी में, कि आप ये वाला रास्ता पकड़ो और आपका दिल खुश हो जाएगा जाते जाते, तो अब मैं इसलिए इस रास्ते से को लेकर के जा रहा हूँ। मैंगलोर तो जाना है मेरे को, तो मैंगलोर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। व्यू शानदार है, शानदार,
देखो टी अवेलेबल ना, टी अवेलेबल ना, चाय मिलेगा ना। हाँ ये पकौड़े देख लूँ, व्हाट इज दिस, क्या है ये क्या है, क्या है ये, स्पाइसी और स्वीट, स्वीट एंड दिस वन स्पाइसी ना, मसाला आलू वाला और मीठा वाला, मीठा वाला है ये भी, मीठा मीठा, ये स्पाइसी, ये आलू वड़ा, ये मीठा ना, व्हाट इज इनसाइड, बनाना, बनाना, ओके देखता हूँ भाई चाय कैसी बनाते हैं, एक चाय एक कर दो भाई, ये कैसा चाय होता है इनका, ओ यार कैसे बना रहे हैं इसको ऐसे, मिल्क इनका ना ऊपर ही उबल रहा है, स्टीम से उबल रहा था ये, स्टीम से उबल रहा है, रुकना एक मिनट, ये कॉफ़ी डाला चाय, चाय पत्ती इनका बड़ा, हाँ हाँ टी ना, टी इन्होंने कैसे खोल दिया यार इसके अंदर, गर्म पानी नीचे, गर्म पानी है ये मिल्क ना, हाँ हाँ अब भी पता लगा, ये नीचे हॉट वाटर है उसका स्टीम से, उसके स्टीम से ये बॉईल हो रहा है, अभी ऐसे इनका चाय बन गया, ऐसे ही लोग चाय बनाते हैं, केरला टी स्पेशल, छन्नी छन्नी यार, ये केले का पकौड़ा है ये ना, ये अंदर इसके बनाना है, ये केरला वाले भी क्या क्या बना देते हैं भाई, ये खाने में तो मीठा है काफ़ी, मतलब बाहर ये कुछ मैदे का कुछ है लेकिन मीठा ये, बाकी ये पकौड़ा है ये तो एज नॉर्मल ही होगा, इन पकौड़ों के बाद मैंने ये लिया, अभी पता नहीं क्या ये लीफ के अंदर, ये बोल रहे मीठा मीठा है कुछ राइस का, तो मैं थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, तो अब इसको भी टेस्ट करके देख ले, ये पता नहीं क्या है, चावल की तरह इनसाइड इसे कुछ है यार, ड्राई फ्रूट का कुछ बना हुआ है, नाम बता नहीं, अन्ना व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस, दिस इज आना, आना आना कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, खा लो चुपचाप जो भी है ना, ये और मैं खाना खाने आया हूँ, अभी भाई के साथ ही जा रहा था, भाई के साथ आया मैं, भाई ने रोका कि खाना खा लो, एक बज गया, लंच हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो लंच कर लेते हैं, भाई भी शाड़ो में देख रहे हैं, ये भाई है। ये हमारा खाना है, ये है फिश करी, ये वही राइस का दाना है ना जो गेहूं के जितना मोटा है, थोड़ा छोटा है बट गेहूं के जितना है, ये थोड़ा दाल है, ये सोयाबीन है, आज इसको खाते हैं, अरे दो भाई छोटे हाँ भाई हैं छोटे, भाई ने किया अभी हमारा, देखते हैं क्या करते हैं, फिश फिश इज वन फिश, कांटा कांटा इनसाइड कांटा सॉफ्ट ना, ओके भाई ये फिश है, अब इसको खाना स्टार्ट करते हैं, ओके इंग्लिश इंग्लिश हिंदी आल्सो इंग्लिश एंड हिंदी है, मलयालम नो नो मलयालम ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, तो अभी क्या है, चिकन ओके इंक्लूड इन मील ना, यस यस डेली ट्रैवलर रिटर्न ऑन बाइक माय बाइक, योर नेम नेम हाँ अर्जुन अर्जुन यू आर फ्रॉम केरला कालीगढ़ी, ओके 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 चलो थैंक यू ब्रो, ओके कोई जैसा लग रहा है जैसे मैं गोवा के अंदर घूम रहा हूँ, गोवा भी तो ऐसे ही है केरला की तरह, ऐसे ही वहाँ के रोड हैं, कुछ रोड गोवा हम लोग पहुँच जाएंगे
कल पहुंचना चाहिए गोवा हमको। गोवा में देखते हैं रुकना है तो कितने दूर से आए हैं, तो गोवा तो एक दिन के लिए रुकना सही है ना। सुबह बेकल फोर्ट के बाद एक छोटा सा ये मुझे स्टोर दिखा, सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं बैठ के रेस्ट करता हूँ, कुछ होगा तो उसके पास खाने के लिए देखते हैं, नारियल पानी वगैरह थोड़ा सा, आइए रेस्ट मार लो। सो गाइस यहाँ थोड़ा देर के लिए मैं रुका था, कोकोनट शरबत पी लिया हमने, अब यहाँ से निकलने का हो गया टाइम। वेलकम बैक टू मंगलोर अगेन। कर्नाटका में हम लोग आ गए हैं, केरला हमने पीछे ही छोड़ दिया है, एक टोल अभी अभी निकला है वहाँ से तो वापसी की तरफ, लेकिन अभी केरला वाला फील है थोड़ा बहुत। बेंगलोर में घुस चुका हूँ मैं, सॉरी मंगलोर में, बार बार बेंगलोर निकलते हैं कर्नाटका के अंदर। ये बंदे सिंगल सिंगल ओड चला रहे हैं यार, पता नहीं तैराकी लग रहे हैं तो। अरे भाई मछली पकड़ने लग रहा, कितने सारे कांटे छोड़ रखे देखो, धागे बांध के मछली पकड़ रहे हो, पकड़ा कोई? देखो एक मिनट खाना देखना भाई, दिखाना दिखाना एक बार, इधर है। अच्छा ये मछली को पता नहीं क्या जानवर का कुछ है ना, कलेजी टाइप है ये से, इसमें क्या है ये चिकन है ना, चिकन है, ऐसे करके डाल दें, क्या है बोलते हैं गुद्दा, तो ऐसे करके डालेंगे ये और ये उसके गले में फंस जाएगा फिर। आया अभी पानी ऊपर आता है, अभी पानी कम हो गया, कम हो गया, कब आएगा पानी ऊपर? तो 10 बजे ऊपर तक आ जाएगा पानी, तो रात को आओगे फिर आप मछली पकड़ने? फिर एक घंटा दो घंटा। अच्छा सो गाइस फाइनली होटल मुझे मिल गया है सिटी के अंदर ही, और ये होटल मुझे पड़ा 400 रुपीज़ में। 400 रुपीज़ में मेरे को मतलब ये अच्छा खासा रूम मिल गया रात रात को सोने के लिए। बाकी अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।